अब तो बहनों और भाइयों उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि यह भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहन और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है, और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहन और भाइयों, ये नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद कर लगाम कसा गया है, और आपने भी देखा है आतंकवाद और नक्सलवाद तो पूरी तरह नकेल कसा ही गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे, अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं, भाई हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप ये नहीं चलेगा। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है आप सबके सामने है। अभी मैं देख रहा था मुंबई से नागपुर का समृद्धि एक्सप्रेसवे,
मैं देख रहा था महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय गडकरी जी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हाईवे का, रेलवे का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, मेट्रो, और युवाओं के लिए आईआईटी भी है, IIM IIIT NIT वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, एम्स, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रही है और एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान भी आज प्राप्त हो रहे हैं। हर घर नल भी है और नल पर जल भी है। बहनों और भाइयों, आप सोचो कांग्रेस इंडी गठबंधन जो आज बना है, इनके समय में गरीब भूख से मरता था, आज मोदी जी 25 करोड़ यानी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और यही नहीं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं इनसे बोलो कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। मात्र 23 करोड़ कमबख्त पाकिस्तान, आप सोचो कहां पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को। अरे हिंदुस्तान में रहता तो भूखो नहीं मरता, उनको भी फ्री में राशन मिलता, लेकिन आज गली मोहल्लों में कुछ जीव लड़ते हैं ना एक रोटी के टुकड़े के लिए, यही पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो, जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो। हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं और गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है। 12 करोड़ घरों के लिए शौचालय बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का हर सीनियर सिटीजन चुनाव के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त करेगा।